आपका आज वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक तेलुगु मूवी का टीजर जिसका टाइटल है डबल आई स्मार्ट, और ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें भी पुरी जगन्नाथ और साथ में चार्मिक और है, और स्टार कास्ट में है राम है, साथ में संजय दत्त है और गुरबानी जज है। तो चलिए देखते हैं ये टीजर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हमें लोग चैनल लेकर इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक कांडू हैदराबाद में है, सबसे बड़ा मादर चोद है। तेरे माँ की रही ए चुप। उस्ताद स्मार्ट शंकर अलियास डबल स्मार्ट। अपुन का स्टाइल क्या है मालूम? आइटम कड़क है तो सिटी मार, डीन चेक बीट है तो स्टेपा मार। स्टेपा मार, स्टेपा मार, स्टेपा मार। परमिशन के बगैर मेरा पिक्चर प्लान किया तो काट डालूंगा। एक एक को दिवाली की लड़ी लगा के ग्रेनेड घुसा के पिन निकाल दूंगा। भाई टीजर देखकर जो है ना सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा साइंस फिक्शन लगा है, लेकिन बाकी ओवरऑल मुझे कॉमेडी मूवी जो है वो ज्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटल डबल स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब जो स्मार्ट होता है ना, बहुत ज्यादा डबल स्मार्ट, आई स्मार्ट, आई डोंट नो आई स्मार्ट या स्मार्ट ऐसे बोलते हैं, बहुत ही स्मार्ट ऐसे। आई स्मार्ट यानी इंटेलिजेंट स्मार्ट, मे बी इंटेलिजेंट स्मार्ट, बहुत अपने अपने अनुमान हम लगा रहे हैं। एक चीज़ है कि जैसे ही हम टीजर स्टार्ट मतलब होता हुआ देखते हैं तो हम बिल्कुल ऐसा देते हैं कि जैसे यू नो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके यू नो लैब कह लें या जो उनकी जगह पर जो एक्सपेरिमेंट वाली जगह होती है वहाँ पर राम को जो है वो रखा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है या तो उनकी कोई प्रोग्रामिंग की गई क्योंकि वो बहुत ही फनी रोल कर रहे हैं, और बेशक जो जॉनर है वो आपको साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म नजर आती है, एक्शन तो भर भर के नजर आया लेकिन कॉमेडी भी आपको बहुत ज्यादा भर भर के नजर आई है, और इनफैक्ट गालियां भी सुनने को मिली है स्टार्टिंग में, शुरू में एक दो जो है पड़ी जाती है। नहीं मतलब मैंने यार मूवीज में कब गालियां होती हैं इस तरह से, लाइक जो साउथ की मूवीज हम देखते हैं या वो हिंदी डब है ना। हाँ तो सॉरी हिंदी डब है तो क्या मतलब क्या ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं होगा यार मेरी बात सुने। अक्सर जो है टीजर ट्रेलर्स में जो है ना वो आपको हल्की फुल्की तो जो है वो गालियां जो है वो सुनने को मिल जाती है, मेरा ख्याल भी वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये जो है ना एक जो है सीक्वल भी है आई स्मार्ट शंकर का, जो कि 2019 में ये मूवी आई थी, और मुझे नहीं पता इस मूवी का, मैंने पहले नहीं देखी, लेकिन अभी जो हमने ट्रेलर सॉरी टीजर देखा है उसे देखकर लग रहा है कि भाई मजे की जो है वो मूवी होगी। और बीच में संजय दत्त सर जो है वो डेफिनेटली आपको विलेन या फिर ऐसा लगता है कि जो यू नो साइंस फिक्शन से रिलेटेड कुछ गलत काम करवा रहे होते हैं ना, यानी कि नेगेटिव चीजें करवा रहे होते हैं किसी से, क्योंकि गुरबानी को अगर देखें तो वो आपको राम के साथ भी नजर आती है, और वो जब संजय दत्त सर की एंट्री होती है तब भी वो नजर आती है बिल्कुल। लेकिन जो है ना बीच में ट्विस्ट ये भी है ना कि जो राम है वो डबल रोल कर रहे हैं। हाँ क्योंकि 2019 में जो मूवी आई थी उसमें उनका नाम शंकर था मेरा ख्याल में, और यहाँ पे जो है वो अब अरुण भी जो है वो दिखाई दे रहा है तो लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट नाम भी लेते हैं, मतलब हर रिलीजन के ना मतलब जो नाम उस तरीके से मे भी हो सकते हैं। जो हमें स्टार्टिंग में एक जो है वो दिखाया गया जो एक लेबोरेटरी टाइप ही जो है वो दिखाई गई वहां पर उनपे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ये अब ट्रेलर आएगा तो फिर थोड़ा सा और क्लियर होगा। और इसकी आई स्मार्ट जो है ना पहले वाली जो आई स्मार्ट शंकर है वो देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या हुआ था, क्योंकि फिर बैकग्राउंड पता
पता चलेगा हाँ। और क्योंकि अगर इसमें भी देखें तो आपको बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता है हाँ। लाइक ये भी मेरा हाल में शायद वो शिव भक्त है, ये भी बीच में दिखाई नाम भी हाँ, शंकर, है। शंकर उनका exactly. नाम है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बीच में होगा। अब ये तो पार्ट वन देखना पड़ेगा तो फिर आइडिया होगा। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा अच्छा आजकल बड़ी मजे मजे की ना आपको मतलब ट्रेलर टीजर देखने को मिल रहे हैं कि ना बहुत फास्ट फास्ट आपको यू नो म्यूजिक के साथ सीन्स नजर आते तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी और भी जो स्टार कास्ट हम लोगों को बीच में नजर आई काफी अच्छी और काफी हाँ। बड़ी स्टार कास्ट है और ये मूवी रिलीज हो रही है 14 जून को, तो देखेंगे जब ट्रेलर आएगा कि भाई क्या स्टोरी है, कुछ थोड़ा और क्लियर होगा। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है वो जरूर तो आइडिया होगा मूवी की स्टोरी मत बताइएगा, ये बताइएगा कि कैसी मूवी थी और आप जरूर बताइएगा कि इसमें क्या आपको लग रहा है कि कोई कनेक्शन है लास्ट वाली जो मूवी है मतलब जो पार्ट है उसके साथ, जरूर बताइएगा हम लोग कमेंट सेक्शन में। इसी साथ मेरे वीडियो गुड बाय।